नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने UPRV UNL का एग्जाम दिया है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक तो प्रीवियस कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, जो प्रीवियस कट ऑफ कितनी गई थी, जब मतलब लास्ट टाइम वेकेंसी आई थी उसकी कट ऑफ क्या रही थी, और अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्योंकि आंसर की आ गई है, आपको अपने मार्क्स पता है लेकिन फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है। अगर आप अभी इस डाउट में हैं तो हम एक हद तक यहीं तक आपका एग्जाम रहने वाला, बहुत सटीक एक एनालिसिस करने के बाद मैं यहां पर कट ऑफ बताऊंगा कि आपकी इतनी कट ऑफ रहेगी। इसके बीच में सबसे पहले हम प्रीवियस कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सपेक्टेड जो इस टाइम की एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, जो ये कट ऑफ हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो इसका 2016 और 17 में पेपर हुआ था, हम उसकी कट ऑफ बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, तो भाई इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अगर जनरल कैटेगरी से हैं आप, तो आपकी 147.5 गई थी उस टाइम पर, ठीक है, और ओबीसी वालों के लिए 142.25 गई थी, और यहाँ पर भाई एससी कैटेगरी वालों के लिए 133 गई थी, ठीक है, 133.25 ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए थी। मैकेनिकल वालों के लिए भाई यहाँ पर सबसे ज्यादा गई थी 163.50 मैकेनिकल वालों के लिए कट ऑफ गई थी, उसके बाद मैकेनिकल जनरल कैटेगरी अनरिजर्व्ड वालों के लिए गई थी, उसके बाद ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर 162.50 कट ऑफ गई थी, और यहाँ पर एससी कैटेगरी वालों के लिए भाई 152.25 इतनी एससी कैटेगरी वालों के लिए गई थी। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच वालों के लिए, तो भाई 134.50 आपकी कट ऑफ गई थी, और ओबीसी वालों के लिए 124.25 कट ऑफ गई थी, और एससी कैटेगरी वालों के लिए भाई 125.50 कट ऑफ गई थी। वहीं पर अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए बात करूं तो 123.25 जनरल कैटेगरी वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 121.25, और एससी कैटेगरी वालों के लिए 109.50, मतलब सिविल वालों की यहाँ पर सबसे कम थी, सबसे ज्यादा मैकेनिकल वालों की थी, इलेक्ट्रिकल वालों की भी अच्छी खासी थी, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए भी कम थी। तो ये है इसकी प्रीवियस कट ऑफ, जो 2016-17 में वेकेंसी आई थी UPRV UNL JEE की, उसकी कट ऑफ। लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट है, ये शायद कट ऑफ आपको ही बताऊंगी, लेकिन भाई यहाँ पर जो मेन इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो 2021 का पेपर हुआ है, ठीक है, उसकी कितनी कट ऑफ रहने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मिनट सबसे पहले मैं यहाँ पर वेकेंसी बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अगर बात करी जाए भाई, तो 69 वेकेंसी है आपके 2021 के अंदर। मैकेनिकल वालों के लिए 78 वेकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए 39 वैकेंसी है, और कंप्यूटर वालों के लिए 10 वैकेंसी है, सिविल वालों के लिए इस बार कोई वैकेंसी थी नहीं। अब देखो कट ऑफ जो मार्क्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं वैकेंसी कितनी है, फॉर्म कितने भरे गए थे, कितने बच्चों ने पेपर दिया है, पेपर का लेवल क्या है, ठीक। और अगर भाई हम यहाँ पर बात करें कितने फॉर्म भरे गए थे, तो टोटल फॉर्म जो भरे गए थे आपके 70,000 के समथिंग फॉर्म भरे गए, कम से कम 71,000-72,000 फॉर्म थे, तो आप 70,000 के अप्रोक्स आपके फॉर्म भरे गए थे, जिसमें अगर मैं बात करूं एग्जाम कितने लोगों ने दिया है, तो 80% स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है आपका। अभी हम कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। पूरा एनालिसिस करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और जब रिजल्ट आएगा तो आप इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अराउंड ही रहने वाला है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देखो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों के लिए, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, तो भाई जनरल कैटेगरी की यहाँ पर आपके जो मार्क्स रहने वाले हैं, कट ऑफ रहने वाली है 135 से लेके आपकी 140 मार्क्स, अगर आपके इसके समथिंग है ना 135-140 मार्क्स हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, फाइनल तो है नहीं लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और 135-140 के बीच में है, तो आप अपना मतलब समझ सकते हैं, ठीक है, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। EWS कैटेगरी की बात करें तो 132 से लेके यहाँ पर अगर आपके मार्क्स 136 हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, और भाई ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए बात करूं मैं यहाँ पर, तो 130 से लेके यहाँ पर आपके कट ऑफ जाने वाली है 135 तक, ठीक है, एक्सपेक्टेड है, फाइनल है नहीं, ठीक है, तो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट भी यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ज्यादा सटीक एनालिसिस है। उसके बाद अगर हम एससी कैटेगरी वालों के लिए बात करें, तो 127 से लेके, भाई अगर आप एससी कैटेगरी से हो, 127 से लेके 132 के बीच रहने वाली है,
और भाई एसटी वालों के लिए 125 से लेके आपका यहाँ पर 130, ये कट ऑफ आप अज्यूम कर सकते हैं अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं सिलेक्शन के। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं भाई मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए, ठीक है, मैकेनिकल की सबसे ज्यादा वैकेंसी है 78 और यहाँ पर लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई है सबसे 163, लेकिन इस बार मैकेनिकल की कट ऑफ कम रहने वाली है। मैकेनिकल की कट ऑफ की बात करूं तो 138, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 138 से लेके 143, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं यहाँ पर तो 135 से लेके भाई यहाँ पर 140, 140, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 133 से लेके 137, और भाई अगर आप यहाँ पर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 130 से लेकर 135, और अगर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 127 से लेकर 132। ठीक है, वहीं पर साथ ही में अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच वालों के लिए यहाँ पर, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स अगर हम यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच वालों के लिए, तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इनकी जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो है 145 से लेके 150। ठीक है, उसके बाद आपकी EWS कैटेगरी वालों के लिए है 142 से लेके 147, और भाई यहाँ पर OBC वालों के लिए है 140 से लेकर 145, और आपकी भाई SC कैटेगरी वालों के लिए है 136 से लेकर 140, और ST कैटेगरी वालों के लिए है 130 से लेकर 135। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच वालों के लिए है। वहीं पर अगर मैं कंप्यूटर ब्रांच वालों के लिए बात करूं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर कंप्यूटर ब्रांच वालों के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर भाई सबसे ज्यादा कट ऑफ यहाँ पर कंप्यूटर वालों के लिए रहने वाली है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी 160 से लेके 170, EWS वालों के लिए 155 से लेके 160, और भाई यहाँ पर आपकी ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 153 से 157, 148 से 152, ये आपकी एससी कैटेगरी, और एसटी कैटेगरी भी 140 प्लस रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने बात की है एक यूपीआरबी का जो एग्जाम हुआ था उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। बिल्कुल इस बात की मैं कोई आपसे गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि भाई यही कट ऑफ रहने वाली है, लेकिन एक एनालिसिस करने के बाद मैंने ये कट ऑफ आपको बताई है, लेकिन 90% चांसेस है कि यही कट ऑफ इसके अराउंड ही रहने वाली है, 133, 135, जैसे 135, 140, 142 हो सकती है, 133 हो सकती है। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा मतलब एक सटीक एनालिसिस बोल सकते हैं। अब भाई ऊपर नीचे हो सकती है, पहले बता रहा हूँ इस बात के लिए मैं। ठीक है, तो ये हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करी है, ये प्रीवियस कट ऑफ की बात करी है। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपके मन में कोई भी और डाउट है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, साथ ही में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी सॉल्यूशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में।